पाकिस्तान में निजी बस कंपनी की होस्टेस के फराइज सरंजाम देने वाली खवातीन जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने और बाइज्जत मकाम हासिल करने के लिए पुराज़म हैं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से रूबा अरूज। लाहौर की निजी कंपनी की बस में सफर के दौरान आपकी मेजबानी के फराइज निभाने वाली ये बस होस्टेसेस मुसाफिरों के अच्छे बुरे रवैयों का जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट के जरिए देने की पाबंद हैं। चेहरे पर खुशगवार एहसास सजाए ये कम उम्र मेजबान लड़कियां अपने घरों से दूर रहकर अपने घर वालों के लिए जिंदगी की खुशियां समेटने की कोशिश करती हैं। हम अपनी स्टडी साथ कंटिन्यू कर सकती हैं इतने अच्छे पे पैकेज के साथ, घर वालों को चलाने के साथ, तो खुद को भी सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में जो भी जितनी भी जॉब्स हैं ना, उसके लिहाज से लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। होस्टेस डिपार्टमेंट के हेड का कहना है कि सर्विस का मकसद खवातीन के लिए अकेले सफर को महफूज बनाना और जरूरतमंद लड़कियों के लिए मुलाजमत के मौके फराहम करना है। सिंगल फीमेल अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको सबसे ज्यादा असिस्ट फीमेल ही कर सकती है और उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो फीमेल में ही नजर आ सकती है, इसलिए हमने उनके साथ फीमेल स्टाफ अपॉइंट किया। पाकिस्तान में कम तालीम याफ्ता खवातीन के लिए निजी कंपनी की जानिब से बस होस्टेस की मुलाजमत खवातीन को एम्पावर करने की जानिब एक कदम है। पुरएतमाद और बाइज्जत तरीके से अपने फराइज सर अंजाम देने वाली ये बस होस्टेस पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने का जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ रूबा अरूज, न्यूज लाहौर। पाकिस्तान में अमरीकी काउंसिल जनरल की पहली बार किसी टीवी शो में शिरकत।